महामंगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। किसने किया माहिष्मती का ये हाल? कौन बचाएगा डूबते साम्राज्य को? दोस्तों, बाहुबली एक ऐसी सीरीज है जिसने हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री के लोगों को एक अलग ही नज़रिए से देखने पर मजबूर किया है। इस मूवी ने बॉलीवुड के लेवल को कई गुना इंक्रीज कर दिया और आज भी इस फिल्म को दर्शक कई बार दोबारा देखते हैं। और अब फाइनली ऐसी खबरें आ रही हैं कि जल्द ही बाहुबली का थर्ड पार्ट भी रिलीज होने वाला है। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो और देखें कि कैसा होगा इस बार मूवी का प्लॉट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज़ बाहुबली 3 के बारे में। कहानी शुरू होती है माहिष्मती से। माहिष्मती में कुछ भी पहले जैसा नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे साम्राज्य में कोई भीषण आग लगी हो या कोई तूफान आया हो। पर्दे अपनी जगह पर नहीं हैं, पानी का कलश गिरा हुआ है और सब कुछ अस्त व्यस्त है। ऐसे में भल्लाल देव एकदम से दरबार में बिना देखे घुसता है और उसका पाँव गिरे हुए कलश पर पड़ता है जो कि घसीटते हुए देव सेना के चरणों में आ जाता है। भल्लाल देव अपने दरबार की हालत देख कर कहता है, किसने किया ये, किसने मेरे दरबार में ये आग लगाई, और गुस्से में चीखने लगता है। तभी एक दासी कहती है, महाराज वो फिर से आया था। वहीं देव सेना कहती है, फिर से आया था और फिर से आएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भल्लाल देव सेना पर चीखने ही लगता है कि तभी पीछे से भल्लाल के पिता की आवाज़ आती है, भल्लाल अभी ये सब छोड़ो और दरबार की हालत ठीक करने पर ध्यान लगाओ। कल साम्राज्य में बड़ा महोत्सव है, दूर दूर से लोग आएंगे, माहिष्मती की ऐसी हालत देखेंगे तो क्या सोचेंगे। भल्लाल ये सुनकर अपने कर्मचारियों को आदेश देता है, चलो काम पर लगो, मुझे 2 घंटे में माहिष्मती बिल्कुल पहले जैसा चाहिए। देवसेना वहाँ से उठकर अपने कक्ष में सोने चली जाती है। कक्ष की तरफ जाते हुए उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर भी देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे लगता है जैसे ये उसका भ्रम है और वो अंदर चली जाती है। कक्ष में जाकर वो सोने ही वाली होती है कि तभी उसे अपने तकिए के पास एक खत मिलता है, देवसेना तुमसे सपने में मुलाकात होगी। देवसेना पढ़कर समझ नहीं पाती कि ये किसने लिखा है लेकिन मुस्कुराकर सो जाती है। तो दोस्तों, कौन है ये देवसेना का प्रेमी और आखिर किसने की माहिष्मती की ये हालत, जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतज़ार। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।